हेलो जी, कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ सब यश होंगे। तो अभी सोया उठाऊँ तो अभी सोच रहा हूँ नहावा के ना तो फ्रेश हो जाऊँ, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। तो अभी नहाने चलते हैं। हमने नाश्ता भी कर लिया, तो अब ये सीन है कि कोई गेम वगैरह खेलते हैं और थोड़ी लाइफ एंजॉय करते हैं, क्योंकि पेपर दे के अभी फ्री हुए हैं। तो ऐसे तो नहीं ना होता, पेपर दे लो आप और कोई इंजॉयमेंट ना करो, तो फिर उसके बाद हम चलते हैं बकरों के पास। तो जी अभी ना एक सीन चल गया, मैं घर से निकला था तो मगा क्लब चलते हैं, बाइक की किक मारी और बाइक में ऐसे लगा जैसे पेट्रोल नहीं है। खैर मैं वहाँ से घर से निकला तो रास्ते में ना पेट्रोल पम्प तो चला गया, मैं पाऊँ वो पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो जब मैं पेट्रोल पंप पे पहुँचा, पेट्रोल पंप पे जाके मैंने पेट्रोल डलवाया और मैं नोज़ल नीचे करने लगा हूँ, तो वो देखा नोज़ल पहले ही नीचे थी, यानी कि किसी ने पेट्रोल बंद कर दिया हुआ था। तो वाह खजल खुआरी खट्टी। फिर अभी आए हूँ तो देखते हैं गेम वगैरह खेलनी है या नहीं, क्योंकि आज रियान ने भी मना कर दिया था कि मैंने नहीं आना, और सामने वैसे ही कह दिया था मैं तो रिजवान गार्डन हूँ, अगर आप लोगों ने आना होगा तो आप आ जाना। तो अभी देखते हैं क्या सीन। पिंक के बाद कलर मुश्किल है, कोई रेड आएगा। ओह ओ फंस गया। तो शहजादियों क्लब से वेला होके तो भूख शोक लगी थी, खाना वगैरह खाया है, उसके बाद अब मुझे याद आया था कि मैंने ना बैठ दिया था सही होने के लिए, तो अब वो लेने जाना। उस बंदे का फ़ोन आया था कि यार जुमेरात को ले जाना, तो अब जाते हैं उसके पास और देखते हैं क्या करना है। ये है डबल ग्रिप वाला। लो जी ऐसा फोन आ गया कि मैं फ्री हो गया वहाँ, तो मैनू आके लै जा, तो नाल ही कहने खुशखबरी भी देती है कि मैं मामू बन गया साला। अब फिलहाल तीन बंदे हैं, अभी और भी आ रहे हैं, और ये सामने नेट हो रहा है तो देखते हैं अभी अपना करना है या नेट पे करना है। नेट पे तो हार्ड बॉल हो रहा है, हमने टेप बॉल करना है तो हम अलग ही करेंगे। लो जी खेलने के बाद बुरे हाल हो गए हैं, थक गए हैं सारी, भी देख लो सारे थक गए हैं। तो उसके बाद सिंह याद आ गई कुछ को, वो तो पानी याद आ गया बेचारे को, कहना मैं पानी पीना है, मेरे को पानी नहीं पीता जाता। तो अभी फाइनली हम उसको घर छोड़ दिया है, क्योंकि ज़ाहरी सी बात है उसकी सिस्टर के घर बैठा हुआ है, तो उसने तो जाना था वहीं पर। तो मुझे यही कल का कह रहा था कि यार मैंने कल बिज़ी होना है तो मैं मुश्किल ही है तुझे फ़ोन वगैरह करूं। तो खैर उसने फिर भी हमारे लिए थोड़ा टाइम निकाल लिया, उसकी बड़ी मेहरबानी। तो यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ व्लॉग को, एंड आप सब भी उसको मुबारकबाद दे देना कमेंट सेक्शन में, और इंशाल्लाह एक दो दिनों में आपको दिखाऊंगा वो बेबी कैसा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, उधर के लिए अल्लाह हाफिज़।